आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर्स पर सेकंड फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 2.5 केजी। द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल इज। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि एक राइफल हमारे पास में थी, ठीक है, इसके अंदर एक बुलेट थी। स्टार्टिंग में ये दोनों भी चीजें क्या थे, रेस्ट पे थे। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस गोली मारी हमने, मतलब बुलेट फायर की, तो हमारी जो राइफल थी वो पीछे के तरफ रिकॉइल हो गई और बुलेट जो थी वो आगे के तरफ चली गई। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि जो राइफल है, ये राइफल का मास कितना दे रखा है हमें, 2.5 kg। ठीक है, यहाँ से हमें 2.5 kg दे रखा है इसका मास, और बुलेट का मास कितना दे रखा है, 10 ग्राम, ये दे रखा है 10 ग्राम। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि जो राइफल है उसका रिकॉइल वेलोसिटी समझे वी थी, तो ये कितनी है ये हमें फाइंड करना है। हमें दे रखा है कि बुलेट जो है ये कितनी वेलोसिटी से आगे गई, 100 मीटर्स पर सेकंड से आगे गई। देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि जब हम इसको शूट कर रहे हैं राइफल को, तो कोई भी एक्सटर्नल जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, मोमेंटम हम कब कंजर्व कर सकते हैं, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क यहाँ पे नहीं कर रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम नहीं कर रहे तो हमको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। मोमेंटम कंजर्व क्या कर सकते हैं कि m1v1 = m2v2। m1 क्या होता है, इनिशियल मास और इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल मास और फाइनल वेलोसिटी के बराबर होती है। अब इनिशियल हमारा पूरा जो हमारा सेटअप था वो क्या था, राइफल प्लस बुलेट, ये दोनों भी रेस्ट पे थे, मतलब जो हमारा v1 था वो हो गया 0। ठीक है, तो मतलब हमारा जो इनिशियल मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम जो है हमारा वो क्या हो गया, 0। ठीक है, इसी का मतलब क्या लिखेंगे हम कि जो हमारा फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम है हमारा टोटल, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, 0। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्शंस को ध्यान में रखेंगे। मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया, हम दूसरे डायरेक्शन को भी पॉजिटिव मान सकते हैं, ये हमने अज्यूम कर रखा है। ठीक है, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अब हम क्या लिख सकते हैं कि मास ऑफ राइफल इंटू वेलोसिटी ऑफ राइफल प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि ये हमारा हो गया टोटल मोमेंटम, टोटल हमारे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। ठीक है, तो मास ऑफ राइफल कितना दे रखा है हमें, 2.5 kg, और वेलोसिटी ऑफ राइफल क्या दे रखी है हमें, वो फाइंड करनी है, तो उसको हम वी पकड़ लेते हैं। लेकिन हम सिर्फ वी नहीं पकड़ सकते, हमें उसे क्या करना होगा, निगेटिव ऑफ वी पकड़ना होगा। अगर हम ना भी पकड़े तो हमें आसानी से उसका जो डायरेक्शन है वो मिल जाता। यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि सिर्फ वी लिखते हैं, हमें इसका डायरेक्शन अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो राइफल का मास इंटू वेलोसिटी ऑफ राइफल प्लस बुलेट का मास इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या हो गया, 0। हमने राइफल का मास लिख लिया 2.5 kg, राइफल की वेलोसिटी लिख ली वी, प्लस हमें क्या दे रखा है कि बुलेट का मास कितना है, 10 ग्राम। अभी हमारा जो राइफल का मास था वो था केजी में, तो हमें बुलेट को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में, तो हम इसको लिख लेंगे 10 और ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे 10^-3 मल्टीप्लाई करके, और इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या दे रखा है हमें, 100 मीटर्स पर सेकेंड, और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हम 100 लेंगे, इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि 2.5V इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10^-2 इंटू 100। ठीक है, इसी का मतलब -1, 2.5V इक्वल्स टू -1, ये हो गया हमारे पास आ गया, तो मतलब V इक्वल्स टू -1/2.5, ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.4, निगेटिव ऑफ 0.4, हमें V कितना मिल गया, -0.4 meters per second। इसका मतलब हमारा जो राइफल है वो निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब कि इस डायरेक्शन के अपोजिट, इस डायरेक्शन में 0.4 मीटर्स पर सेकेंड से जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।